दोस्तों, यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोल रखे हैं और उसमें का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो अब प्रोसेस बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप IRATA के मदद से मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सारा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे IRATA जनरेट करना होता है और कैसे उसका अप्रूवल देना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं INT हिंदी टेक का यह अनोखा वीडियो। आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, IRATA जो जनरेट होता है वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। पहले मोबाइल नंबर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी चेंज हो जाता था या फिर डायरेक्ट ATM में जाकर चेंज हो जाता था, लेकिन आए दिन हो रहे फ्रॉड को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बदल दिया है और नया प्रोसेस के तहत IRATA के मदद से आपका मोबाइल नंबर चेंज होगा। चलिए दिखाते हैं IRATA जनरेट कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको SBI ऑनलाइन कोई भी ब्राउजर में सर्च करना है। सबसे ऊपर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इसे ओपन करना है। उसके बाद पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दर्ज कर देनी है। नीचे जो कैप्चा इमेज दिखाया जाता है वह भी आपको दर्ज कर देना है। सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है, तो आप यहां पर OTP दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद आपको सबमिट करना रहेगा। यह प्रोसेस है इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने का। तो यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार के इंटरफेस आपको नजर आएंगे। आपको यहां पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जी हां, आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन को चुनना है और माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जब आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपने जो प्रोफाइल पासवर्ड बना रखा होगा वह प्रोफाइल पासवर्ड आपको दर्ज करके उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पूरा के पूरा डिटेल बता दिया जाता है। आप यहां पर डिस्प्ले नेम चेंज कर सकती हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकती हैं और मोबाइल नंबर चेंज कर सकती हैं। चेंज मोबाइल नंबर थ्रू ब्रांच, यानी कि ब्रांच के थ्रू आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप ATM के थ्रू चेंज कर सकती हैं। तो आपको यहां पर नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें डोमेस्टिक ओनली लिखा हुआ है ATM के थ्रू। तो आपको यहां पर क्रिएट रिक्वेस्ट की ऑप्शन मिलते हैं, जहां पर नया मोबाइल नंबर जो ऐड करना चाहते हैं वह मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना पड़ेगा। न्यू मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर दर्ज करिए, रीटाइप मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो IRATA इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट की ऑप्शन मिलती है, उसको क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद फिर से आपका डिटेल नजर आएगा, प्रोसीड बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपका जो कार्ड एक्टिवेट रहता है वो दिखा दिया जाता है, अदर कार्ड भी दिखा दिया जाता है। तो आप यहां पर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो कार्ड डिटेल यहां पर एंटर करना होता है, जैसे एक्सपायरी, कार्ड होल्डर नेम और पिन। साथ ही साथ यहां पर सिक्योरिटी जो इमेज कोड दिख रहा वो आपको दर्ज करना होता है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होता है। यहां पर सक्सेस हो जाएगा, रेफरेंस नंबर आपको दिखा दिया जाता है। तो सक्सेस हो जाने के बाद IRATA नंबर जो कि 10 डिजिट का होता है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है SMS के माध्यम से। उसके बाद आप जो कार्ड का डिटेल एंटर करते हो वह कार्ड आपको SBI ATM में ले जाकर यहां पर अप्रूवल देना पड़ता है। तो आपने देखा कि IRATA जनरेट कैसे होते हैं। अब आपको नंबर मिल चुके हैं, रेफरेंस नंबर 10 डिजिट का। इसे अप्रूवल देने के लिए आपको SBI के ATM जाना पड़ेगा अपने कार्ड को लेकर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं अपने ATM कार्ड के मदद से कैसे आप IRATA नंबर का अप्रूवल दे सकते हैं, रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो IRATA नंबर जनरेट हो जाने के बाद वह नंबर अपने साथ लेकर, साथ ही ATM कार्ड को अपने साथ लेकर SBI के ATM में आएंगे। कार्ड को इस प्रकार से SBI के ATM में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक यहां पर रीड किया जा रहा। फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। चलिए उसके बाद कोई भी दो डिजिट नंबर आपको चुन लेना है, डाल देना है, ओके करना है। उसके बाद जो आपका ATM पिन है वो आप यहाँ पर दर्ज करें, फिर कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर सर्विसेज की ऑप्शन मिलेंगे, उस पर क्लिक करें। फिर आपको यहाँ पर अदर ऑप्शन मिलेंगे, अदर्स, तो आप अदर्स पर क्लिक करें। फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑप्शन मिलेंगे, उस पर आप क्लिक करें।
अब यहाँ पर जो आपको IRATA नंबर 10 डिजिट वाला मिला है उसे आप यहाँ पर दर्ज करें। दर्ज करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें। ट्रांजैक्शन प्रोसेस में गया है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए यस करना है। फिर आप अपने अकाउंट का टाइप सिलेक्ट करें, सेविंग के लिए सेविंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेस में गया। और यहाँ पर रिसीट निकल कर आ गया है जिसमें सक्सेसफुल भी बता दिया गया है। अब आप अपने कार्ड को निकाल लीजिए और इस प्रकार से आपका रिक्वेस्ट अप्रूवल हो जाएगा और SMS भी कर दिया जाता है कि चेंज हो गया है मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सारा जानकारी अच्छे से मिला होगा। अब आप इस तरह से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। कोई और नया तरीका आएगा तो मैं ज़रूर आपको सूचित कराऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे हिम्मत मिलता रहे और आगे भी जाकर इसी तरह से वीडियो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ देता रहूँ। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग सभी का अकाउंट होता ही है। तो जितने भी आपका फ्रेंड है उनको शेयर कर दीजिएगा। जब कभी भी मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो आसानी से यह प्रोसेस वो कर ले ताकि उनको परेशान ज्यादा होने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।